जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रोकरेज का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन के लगातार गिरते हुए शेयर प्राइस को लेकर। क्या वजह है कंपनी का शेयर प्राइस लगातार आपको नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है? कंपनी का शेयर प्राइस काफी दिनों से देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। हम लोग आगे चार्ट पर इसको डिटेल में समझेंगे इसकी वजह को, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यह भी पता करेंगे कि जो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, कब से उसमें मतलब चांस है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। साथ में क्वार्टर फोर से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर सामने आया है, कंपनी के भी हाल ही में बोर्ड मीटिंग हुआ है, ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट हुआ है, तो इन सारी चीजों को सारे अपडेट को चलिए हम शुरू से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग आए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्टॉक एसएमए स्टेज वन में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्यतः जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, खासकर जो पेनी स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको एसएमए जीएसएम कैटेगरी में यहाँ दिखे जाएंगे। एसएमए स्टेज या जीएसएम स्टेज की जो कैटेगरी होती है वो चार तक होती है। हालांकि तीन और चार की कैटेगरी खा तक होते हैं, एक और दो में यदि है तो वो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो इससे आपको घबराने की वाली बात नहीं है एसएमए स्टेज वन में है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है 2024 का, उसके लिए अभी हाल ही में बोर्ड मीटिंग हुआ है और ये बोर्ड मीटिंग 20 मई को हुआ था। तो आपको जल्द ही कंपनी का क्वार्टर फोर का नंबर आते हुए दिखेंगे। उम्मीद ये है कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर अनुमान के मुताबिक नहीं आएंगे। देखिए, जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको हर एक चीज पहले से ही पता लग जाता है। ये जिसकी कहा जाता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन लोग करते हैं? जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। इसीलिए जब भी किसी कंपनी के क्वार्टर्स का नंबर आने वाला होता है तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। आपने सुना होगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, यानी कि ट्रेडिंग विंडो उनके लिए जो कंपनी के अंदर के लोग हैं क्लोज कर दी जाती है, वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये वरना पता होता तो वो बहुत ज्यादा इसमें पैसा बना सकते थे शॉर्ट सेलिंग करके। लेकिन ये बात किसी न किसी तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो ऑपरेटर्स, उनको पता लग जाती है। तो इसका एक इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है कंपनी के शेयर प्राइस पे, जिस वजह से इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। और भी तमाम अपडेट है उसको लेकर, लेकिन ये एक मेन वजह है। दूसरी बात देखेंगे, कंपनी के जो क्वार्टर फोर का नंबर आने के लिए बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में बहुत पहले हुआ था, फाइनेंशियल ऑडिट हुआ है इस बार, इसमें स्पष्ट हो गया कि जल्द ही कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर इसी माह में हो सकता है आपको आते हुए दिखे। तो इस वजह से भी कंपनी में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि नंबर अच्छे भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हम लोग चार्ट को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि जो कंपनी है ये टेक्सटाइल के सेक्टर से बिलोंग करती है। और मैं बार बार कहता हूं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं, यदि फाइनेंशियल थोड़ी सी मजबूत है तो लंबी अवधि में उनके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर नीचे जाने से आप मत घबराइए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मैनिपुलेट किया जा रहा हो, लेकिन लंबी अवधि में जो इस तरह के स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाएंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आप घबरा कर अपने शेयर्स को बेचे नहीं है, होल्ड किए हो, तो आपको बहुत अच्छा इसमें मुनाफा होने वाला है। काम काफी बढ़िया है कंपनी का। फंडामेंटल का यदि हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो मार्केट के बहुत कम, सिर्फ 51 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। हालांकि 100 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती है पेन स्टॉक को उन्हें अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये काफी शानदार है, तकरीबन 3.5% के आसपास पेन स्टॉक में इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी किसी शायद ही किसी दूसरे पेन स्टॉक का हो। स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है तो पीने स्टॉक को महंगा मिलते ही है। इससे हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे कहाँ पे उठाना है। चलिए यहाँ पे आते हैं एक साल के चार्ट पर, बाकी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक साल के चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखेगा प्राइस लगातार यहाँ से देखेंगे तो फरवरी के बाद से आपको डाउन ट्रेंड में ही आते हुए दिखाई दे रहा। और जो एक ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1 रुपए का, उसको भी प्राइस ब्रेक करके 80 पैसा के नीचे आ गया है, 80 पैसा तक आ गया है। हालांकि आपको दिखेगा कि 80 पैसा से प्राइस कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब कोशिश कर रहा है ऊपर उठने का, यानी कि ये प्राइस अब अपने ये जो पहले इसके लिए था अब इसके रेजिस्टेंस बन गया, ये अपने रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस के पास आएगा और सिर्फ आएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर भी निकलेगा बहुत जल्द। कब कब तक? जब तक कंपनी क्वार्टर फोर का नंबर नहीं आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करने वाला है कंपनी क्वार्टर फोर का नंबर। आपको वेट करना है कंपनी क्वार्टर फोर का नंबर आने तक। उसके बाद शेयर प्राइस जो नीचे आया है इतनी ही तेजी से बाउंस बैक करेगा और इजिली आपको 2 रुपए का टारगेट बहुत जल्द ही ये अचीव करा देगा। तो इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो घबराइए मत, बने रहिए, नया एंट्री अभी नहीं लेना है। बाकी यदि हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है। हालांकि कंपनी के पास कोई रिजर्व पैसा नहीं है, रिजर्व के नाम पर कंपनी के पास माइनस में ही पैसा है। रिजर्व पैसा होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि यदि कोई बुरा वक्त आता है और कंपनी के पास मान लीजिए रिजर्व पैसा नहीं रहेगा तो कैसे कंपनी सस्टेन कर पाएगी? कंपनी चलाने के लिए पैसे, खासकर कैश पैसे के होना, जिसको रिजर्व पैसा कहते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये नहीं है। हालांकि कंपनी के पास थोड़े बहुत आपको ये जो असेट्स होते हैं, आपको फिक्स असेट वो आपको दिखेगा, ये सब है कंपनी के पास। कंपनी के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी है और अदर असेट्स भी है कंपनी के पास, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा भी कैश पैसों को होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, जिसमें बताया कि टेक्सटाइल
सेक्टर की कंपनी है, तो एक तो इंडस्ट्री काफी शानदार है और उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है, तो इसलिए हमें इसके साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है, हम इसको अपने पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा यदि आप काम को पैसा लगा दें और आपको लॉस हो रहा है तो आप चाहे तो बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए जो लॉसेज आपको हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट में बदलते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।